तो सैमसंग गैलेक्सी M40 का ऑफिशियल टीजर यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, जहाँ पे हमें पता चलता है इसका रिलीज डेट। साथ ही में दोस्तों आपको M सीरीज के अंदर पहली बार देखने के लिए मिलेगा एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और पंच होल डिस्प्ले। तो ऐसे में दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, किस डेट पे लॉन्च हो रहा है और किस प्राइस में लॉन्च हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको डिजाइन वैसे देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आपने M30 में देखा है। तो पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे बॉडी दिया जाएगा और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा, तो ओवरऑल फोन का लुक एंड फील यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें, यहाँ पे 6.4 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, ना कि सुपर एमोलेड। अगर इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देते तो एक्सपीरियंस यहाँ पे और भी बेटर हो सकता था। हालांकि दोस्तों इसकी रेजोल्यूशन फुल HD है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होने वाला है। दोस्तों ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, तो यहाँ पे इसका जो सेल्फी कैमरा वो आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा उस छोटे से होल में, जो कि 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों पीछे की तरफ दिया गया ट्रिपल कैमरा, जिसमें से पहला सेंसर हो सकता है 32 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और तीसरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए इसमें पहली बार आपको मिलेगा क्वालकॉम का प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 675, जिसका परफॉर्मेंस आपने ऑलरेडी रेडमी नोट 7 प्रो में देख लिया होगा। तो ऐसे में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे इस फोन से मिलने वाला है। दोस्तों इसमें बैटरी दी जाएगी 5000 mAh की, जो 15 वाट के चार्जर को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB-C टाइप दिया गया है। दोस्तों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह ऑटो बॉक्स आने वाला एंड्रॉइड पाई के साथ, जिसमें सैमसंग का खुद का UI चलेगा जो है One UI। दोस्तों यहाँ पे इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है दो वेरिएंट में, जिसमें पहले वेरिएंट में आपको मिलेगा 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, और दूसरे वेरिएंट में आपको मिल सकता है 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, और इसकी प्राइस हो सकती है करीब 20,000 के आसपास। तो ऐसे में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 4GB और 64GB का अगर ये अराउंड 18,000 में लॉन्च करते हैं और 6GB और 128GB को करीब 20,000 से 21,000 के अराउंड लॉन्च करते हैं, तो ऐसे में काफी किलर ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। दोस्तों फिलहाल ये फोन लॉन्च होने वाला है 11th of June को, तो ऐसे में दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 65 ऑलरेडी रेडमी नोट 7 प्रो में देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि रियलमी 3 प्रो भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 के साथ। इसके अलावा दोस्तों चाइना के अंदर अब रेडमी ने K20 और K20 प्रो को भी लॉन्च कर दिया, जिसकी भी प्राइस करीब 20,000 से 25,000 के आसपास है। तो ऐसे में दोस्तों आपका चॉइस यहाँ पे क्या रहेगा, ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा फोन आप यहाँ पे लेना चाहोगे अगर आपका बजट है करीब 20,000 रुपए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों सैमसंग ने अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से काफी अच्छा काम यहाँ पे किया, भले वो स्पेसिफिकेशन हो या फिर इसकी प्राइसिंग हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।